भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगरी जो है कभी जैन नगरी रही है, आज भले ही अन्य लोगों का बोलबाला वहाँ पर सुनाई देता है, अन्यथा तीर्थंकरों की जन्मभूमि के नाम से अयोध्या नगरी प्रसिद्ध रही है। हमेशा तीर्थंकर वहाँ जन्म लेते रहे और शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मिश शिखर से मोक्ष जाते रहे। दोनों ही स्थानों पर अनंतनाथ भगवान का नाम अमरता को प्राप्त है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और पांचवें अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और ये पांचों ही तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को छोड़कर के चार तीर्थंकर जो हैं सम्यक शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान जो हैं वे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। जब तीर्थंकर होने वाली आत्मा को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है और वह धर्म तीर्थ अवगाहन करने की या अवगाहन करने का स्थान है। तीर्थों पर अवगाहन तो बहुत लोग करते हैं लेकिन तीर्थंकर भगवान को मानने वाले लोग का तीर्थ जो है विचित्र प्रकार का। जलीय स्थानों पर तो संसार के बहुत लोग अवगाहन करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं किंतु तीर्थंकर भगवान के अनुयायी जो हैं वो भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म तीर्थ में अवगाहन करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अन्य तीर्थों में तो शरीर पवित्र होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल से स्नान करके शरीर को पवित्र किया जाता है किंतु जो अनादिकालीन मलिनता को प्राप्त कर्म मल से मलिन अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा है कि हमारी आत्मा पवित्र हो, तो फिर उसके लिए और कोई तीर्थ नहीं, धर्म तीर्थ ही है। और धर्म तीर्थ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवानों ने प्रतिपादित किया है। 14वें धर्म तीर्थ के प्रवर्तक अनंतनाथ भगवान कमर्शियल कानूनी में जो जनालय है उसके मूल नायक भगवान अनंतनाथ हैं। आपने अभी अनंतनाथ भगवान के गुणों का प्रतिपादन करते हुए जो विधान रचा गया है उस विधान को किया है संपन्न और उस विधान के माध्यम से आपने सोचा होगा
कि संघ के सानिध्य में बड़ा अच्छा अवसर है ये विधान संपन्न करके। प्रतिवर्ष हम करते तो हैं लेकिन इस वर्ष कोई विशेष अवसर मिला आपको, उस विशेष अवसर पर आपने अनंतनाथ भगवान के गुणों की पूजा की। वैसे तो भगवान के अनंत गुण होते हैं किंतु इस विधान के माध्यम से 108 अर्घ समर्पित करके आपने उनकी पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करना श्रावक का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। श्रावक को बिना अर्चना पूजा के अपना प्रतिदिन कार्य प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए। जिनाले इसीलिए बनते हैं और जिनालों में भगवान विराजमान होते इसीलिए हैं क्योंकि आदर्श हमारे सम्मुख होगा तो उस आदर्श को देख करके उनके गुणों का चिंतन करते हुए जो पूजा अर्चना की जाएगी वो पूजा अर्चना महापुण्य का कारण बनेगी। श्रावक गण तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं। यद्यपि हमने जिनाले में अनंतनाथ भगवान के अरहंत प्रतिमा को स्थापित किया है, उनमें अरहंत गुणों को स्थापित किया है, लेकिन वे तो 14वें तीर्थ के प्रवर्तक थे, वे तो संसार से परिमुक्त हो गए और सिद्धावस्था को प्राप्त सिद्धालय ने अनंत सुख को सदा अनुभव कर रहे हैं। संसार के प्राणी सभी सुख चाहते हैं और सुख चाहते हुए वे ये भी जानते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में यही तो लिखा है कि श्रावक धर्म भी धर्म है और श्रावक धर्म भी हमारे आत्मा को पवित्र कर सकता है। पवित्र नहीं करता लेकिन श्रावक धर्म जो है और आगे बढ़ने की बात भी रखता है। यदि विनयपूर्वक विधिपूर्वक श्रावक धर्म का परिपालन किया जाए तो जो आदर्श हमने जिनालयों में स्थापित किए हैं उन जिनालयों में स्थापित आदर्श के गुणों का चिंतन करते हुए यदि उनकी आराधना अर्चना की जाए इस भावना से कि हे भगवान, जिन आत्मिक गुणों को आपने प्राप्त कर लिया है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, संसार महादुख का कारण है, उस महादुख के कारणभूत संसार से आप परिनिवृत्त तो हो गए हैं, आपकी पूजा अर्चना आपने ही बताया है कि श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है, उसी भावना को लेकर के मैं अपने कर्तव्य का अपने धर्म का परिपालन करने के लिए जिनाले में आकर के आपके सम्मुख खड़ा हूँ और भावना भाता हूँ कि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। और यह बात सुनिश्चित है कि जिस आत्मा में भव्यता गुण है वो अभी नहीं तो देर से सही, लेकिन सुनिश्चित बात है कि यह पुरुषार्थ करेगा। जिस प्रकार से औषधि निर्माता वैद्य जो है, हम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ, वैद्य जो है औषधि का निर्माण करता है तो
वो औषधि को भावना देकर के तैयार करता है। भावना बहुत बड़ी चीज है। आंवला कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, लेकिन आंवले के चूर्ण को आंवले के रस की भावना दे करके और वैद्य उसको कुशल वैद्य जो है उसको रसायन बना देता है और वो रसायन का काम करती है। महिलाएं जानती हैं इस बात को कि दही को मस करके ही मक्खन प्राप्त किया जाता है और मक्खन प्राप्त करके और उससे घी भी प्राप्त किया जाता है। अभिषेक के समय आप सारभूत पाने को घी का अभिषेक करता हूँ ऐसा बोलते हैं। तो सारभूत वस्तु है क्या चीज? सारभूत तो ये वस्तु है कि संसार के सुख तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सब दुख के कारण हैं। सारभूत बात तो यही है, आत्मिक सुख। उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए मैं भावना भाता हूँ, ऐसी घोषणा करते हुए आप भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, आप भोजन बनाते हैं जो उसकी विधि है, उस विधि पूर्वक ही उस वस्तु को बना सकते हैं, अन्यथा वो खाद्य पदार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा और आपकी भूख भी शांत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से धर्म करने की वस्तु है, लेकिन उसके विधि विधान दिया है और विधि विधान से जो धर्म का आराधन किया जाता है वह हमारे सुख का कारण बनता है, आध्यात्मिक सुख का कारण बनता है। कर्म से बंधी आत्मा संसार में दुख ही प्राप्त करती है। जो सुख मान रख करके आप विषयों का या भौतिक सामग्री का अनुभव करते हैं, सेवन करते हैं, उसे आचार्यों ने विषयों को तो विष के समान कहा है, अर्थात मरण ही देता है विष। मरण देने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा तो मरती नहीं है, ये हमने जो शरीर प्राप्त किया मनुष्य का, वो मनुष्य का शरीर अवश्य नाश को प्राप्त होगा क्योंकि उसकी उम्र है। अनंतनाथ भगवान ने 30 लाख वर्ष की उम्र पाई थी, हमारे पास तो 3 लाख वर्ष की भी आयु नहीं है। 30 लाख वर्ष की आयु को भी उन्होंने तुच्छ समझा और तुच्छ मान करके उन्होंने संसार से परिमुक्त होने का पुरुषार्थ किया, समीचीन पुरुषार्थ किया। जिस विधि से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था उस विधि को अपनाया और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। शरीर का वर्ण उन्होंने स्वर्णमयी प्राप्त किया था, कुल उनका इक्ष्वाकु वंश था जिसमें भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था, उसी कुल में उन्होंने जन्म लिया था। वे भी राजपुत्र थे, राज्य भी किया उन्होंने, किंतु उसमें उन्होंने शांति का अनुभव नहीं किया और इसीलिए चिर शांति, चिरकाल तक शांति मुझे प्राप्त हो, ऐसा सुख प्राप्त हो जो कभी नाश को प्राप्त न हो। संसार का प्राणी तो ऐसा है कि उसे नवीनता दिखाई देती है, कोई नवीन चीज नवीन वस्तु देखता है उसमें वह तल्लीन हो जाता है। लेकिन आचार्य तो कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको अभी तक मैंने देखा नहीं हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मैंने स्पर्श नहीं किया हो, अर्थात उसका स्पर्श करके सुख का अनुभव न किया हो,
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी गंध मैंने नहीं ली हो, मैंने उसका स्वाद नहीं चखा हो, और मैंने ऐसे शब्द भी नहीं है संसार के जिनको कभी सुना नहीं हो, लेकिन फिर भी पता नहीं किस मोहवश, क्योंकि मोहिनी कर्म ऐसा विचित्र कर्म है जिसके वश से संसार के प्राणी नित्य नवी भोगी भी और ये इच्छित वस्तु जो है जिसको कि अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं फिर भी उन्हें ही प्राप्त करने की इच्छा होती है, भले ही लेवल उस पर नया लगा हो लेकिन चीज पुरानी है। अभी आप देखते हैं कि भौतिक सामग्री जो संसार में प्राप्त हो रही है ये लेवल उसका नया होता है लेकिन वस्तु पुरानी ही होती है, तो नया लेवल देख करके वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं करना ही हमारा धर्म है, और वही तो हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताया है कि इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको इस प्राणी ने कभी भोगा नहीं हो। तो इस प्रकार अनंत अनंत भगवान के इस विधान को संपन्न करने के बाद हमारे मन में ये भावना जगनी चाहिए कि हे भगवान, हम वर्तमान में नए आकर्षण के प्रति आकर्षित होकर के यद्वा तद्वा कुछ भी विधिवान करते हैं, लेकिन सही विधि और विधान को करके हमारा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बने, सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र हमारा सम्यक चारित्र बने, और इस रत्नत्रय रूपी चक्र से अपने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करके हम भी अनंतनाथ भगवान जैसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद बोलिए। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि परम पूज्य